नमस्कार, जय हिंद जय भारत। में प्रशिक्षक ओपी जायसवाल, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सोसाइटी इंदौर मध्य प्रदेश से। आज वीरेंद्र का चयन फाइनली हो चुका है। इनके संघर्ष का कहानी हम जानना चाहेंगे, किस तरह से आपने चयन लिए अपने आप से, और आप किस पद के लिए चयनित हुए। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई हो वीरेंद्र, आप अपने बारे में बताएं कि आप किस पोस्ट में चयनित हुए हैं। सबसे पहले धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, और उन सभी लोगों का जो इस वीडियो को देखेंगे। मेरा सिलेक्शन SSC MTS के थ्रू हुआ है। डिपार्टमेंट है सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स मुंबई, यहाँ पर मेरा चयन हुआ है। और सबसे पहले मैं इस ग्राउंड को और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना अनुशासन और हम लोगों के बीच में इतना धैर्य और एक सहनशीलता बना के रखी कि हम इतने साल तक संघर्ष करते रहे, और हम लोगों को इतना वक्त दिया। साल के 365 दिन हर मौसम में हर वक्त पे सर ने अपना वक्त अपना ज्ञान अनुभव हम लोगों को शेयर करा, और शायद इतना हर एक कोचिंग हर एक संस्था वाला इंदौर में कर नहीं पाता है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं यूट्यूब्स पे, इंदौर में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा संस्थाओं का, पर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह के बच्चों को मैनिपुलेट करती है, जिनको हम इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं, जो सुबह तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। कहीं बच्चों को मारते दिखा रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, कहीं दिन भर नारे लगवा रहे हैं, पर जो रियल में एक जो बच्चे के सिलेक्शन के लिए चाहिए होती है वो होता है कंटेंट। कंटेंट से मेरा मतलब है कि क्या चीजें करवाई जा रही हैं जो उसे सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाए। जैसे कि क्या सुबह वर्कआउट दे रहा है, ये चीजें बताए, या क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा अनुशासन रखना है, कितने रिपीटेशन लगाने हैं, रोज का क्या वर्कआउट है, बच्चा रोज आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर किट में है कि नहीं, ये चीजें बतानी चाहिए। पर बताई जाएंगी दूसरी चीजें, इसलिए मैंने इन्फ्लुएंसर सब यूज करा कि उन मसालेदार खबरों को देख के बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है। पर मेरा उन बच्चों से निवेदन है, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि यहीं आए, ओपी जायसवाल के पास जाएं, की सर के पास जाएं, या इसके पास जाना स्वतंत्र है, पर एक बार यहाँ गांधी हाल में ओपी जायसवाल सर के पास आए और उनसे एक बार मार्गदर्शन लें, एक बार सलाह अवश्य लें। बाकी भविष्य आपका है, आपका निर्णय रहेगा कि आपको कहाँ जाना है। पर एक बार क्या होता है कि बच्चा आता है और बच्चा यूट्यूब के माध्यम से जब देखता है तो उसमें वो चला जाता है, 5-5 हज़ार फीस देता है और सीधा क्या होता है, और जब बच्चे किसी भी व्यक्ति का जब पैसा लग जाता है तो सोचता है यहाँ मेरा काम अच्छा बनेगा। कभी कभार वो उस फ्री की, उस निःशुल्क सेवा की कीमत नहीं समझ पाता कि वो बंदा निस्वार्थ भावना से क्यों काम करना चाह रहा है। तो आप उस चीज का मूल्य समझें कि निःशुल्क है तो ये नहीं है कि वो कुछ भी बकवास हो सकता है। आज इतने सारे कीर्तिमान जो यहाँ रचे हुए हैं, चीजें हैं, ये सारी चीजें हर बंदे के पास नहीं है। आप यहाँ आके एक बार देखें, वर्ष 2003 से आज 11,000 के आसपास तकरीबन 10,500 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये कीर्तिमान स्वयं में अपनी दास्ता बयां करते हैं, अपने आप में सबूत हैं, जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बेवजह के वीडियो बनाऊँ। आप यहाँ आकर स्वयं देखें, आपको पता चलेगा कि क्या इन व्यक्ति की कीमत है, क्या इन्होंने सम्मान कमाया है, क्या इन्होंने कीर्तिमान स्वयं रचा है बच्चों के सिलेक्शन के माध्यम से। क्योंकि सर खुद कहते हैं, मेरी गुरु दक्षिणा आपके पैसे नहीं है, मेरी गुरु दक्षिणा आपकी वर्दी है। जैसे कि आज मैंने सर के चरणों में समर्पित करी है गुरु दक्षिणा, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैंने जो सर कह रहे थे कि आप मेरे कर्जदार हैं, तो आज मैंने सर का कर्ज अदा कर दिया है, और आगे भी और प्रयास मेरे चल रहे हैं कि मैं कुछ और अच्छा करूं। और आपके समक्ष, सर के समक्ष, वीडियो देखने वालों के समक्ष एक बार फिर आऊं और कुछ अच्छा करके आपको दिखाऊं। देखिए, मेरा उद्देश्य है नर सेवा नारायण सेवा। आज ये वर्दी लगा करके हमारे द्वारा जो कार्य शुभारंभ किया गया था, उसको आप एक वर्दी के माध्यम से इसको पूर्ति करके गुरुदक्षिणा दिए, इसके लिए मैं हमेशा एक गुरु माता पिता खुश रहता है और आभारी रहता है। आपके पिताजी का कितना रोल रहा होगा आपके संघर्षों के पीछे? आपके पिताजी तो काफी खुश हुए होंगे, आप उनके बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से उनका संघर्ष रहा आपके सफलता के पीछे। देखिए ऐसा है सर कि अगर कोई बच्चा अगर चयन होता है, उसकी सफलता होती है, तो शायद सबसे ज्यादा गर्व महसूस उसका पिता ही करता है, क्योंकि वो उसके जन्म के समय से ही सोचता है कि आज मेरा बच्चे ने जन्म लिया है तो ये मेरा नाम कुछ ऊंचा करेगा, समाज में, परिवार में, आपसी संबंधों में ऊंचा करेगा। पर अगर बच्चा
मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी में ही चयन करके ही सम्मान मिलता है, ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार, आप जहां भी करते हैं और आप जो भी आप कर रहे हैं, कम से कम उससे आपके परिवार को, जीवन में आपके माता पिता को एक बार सीना चौड़ा करने का, समाज के सामने तन के चलने का मौका अवश्य हर बच्चे को देना चाहिए। और अब मैं पापा पे, मेरे पिताजी पे आना चाहता हूँ, तो मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है कि उन्होंने मुझे फ्री हैंड दे के रखा था और उन्होंने इतना मेरे ऊपर भरोसा रखा कि मैं यहाँ तक बना रहा, क्योंकि बहुत बार मैंने, जिससे हम देखते हैं कि बच्चे यूट्यूब्स पे लिखते हैं कि जिम्मेदारियों के बोझ के तले हम अपने शौक पूरे नहीं कर पाए, हम कहाँ छोटी उम्र में काम पे निकल गए, तो ये बात सही है कि पापा ने मेरे को फ्री हैंड दे के रखा, पर मैंने भी उनका विश्वास बनाए रखा, उस चीज का, उनकी आज़ादी का, उनके पैसे का कभी भी दुरुपयोग नहीं करा। मैंने जिम्मेदारी से हमेशा पापा का, मेरे को ये हमेशा लक्ष्य करता था कि अपने माँ बाप ने हमें इतनी जिम्मेदारी से अभी मौका दे के रखा है 2-4 साल का, तो मैं उसको कुछ परफॉर्म, भले असफल हो जाऊं, पर कल मैं 4 साल बाद आईने के सामने खड़े हूं तो मैं खुद को ये ना बोल पाऊं कि यार तुमने तो मक्कारी करी थी, भले तुम सारे जगत को झूठ बोल के आ गए, बेवकूफ बना दिया कि सर मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पर आप स्वयं जानते हैं कि मैंने कितनी ईमानदारी से मेहनत करी है। तो मुझे जीवन में ये मलाल ना रह जाए कभी कि यार मैंने तो काम चोरी करी थी, पर मैंने घर वालों को बहाना मार दिया कि पापा ऐसा नहीं हुआ, मेरा पेपर कठिन आया था, वो आया था, मैं दौड़ में रह गया, फेल हो गया। कम से कम आप स्वयं के प्रति तो संतुष्ट रहें, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि माता पिता आपको भरोसे से पहुँचाते हैं। मेरी मम्मी बहुत बार चिढ़ जाती थी जब मैं पढ़ाई करता था कि क्या कर रहा है, जब देखो जब ये कभी दौड़ कभी है। बाकी मेरी मम्मी का भी, माँ का योगदान तो हमेशा रहता है, माँ हमेशा चिढ़ती है, चिल्लाती है बच्चों पे। बाकी अब जब मैं आपको बता दूँ मेरा पर्सनल, जब मैं अभी घर पे आया था तो मेरे माता पिता इतने खुश थे कि बहुत खुश थे, मतलब जिन्हें कहते हैं कि शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, कुछ भावनाएं होती जो हम महसूस कर सकते हैं। अच्छा, ये कस्टम विभाग क्या होता है, थोड़ा सा सूक्ष्म में बताने के कारण जो भी तैयारी करना चाहता है कस्टम विभाग के, जिस विभाग में आप हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर, तो इसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है कि देश की सीमा में जो भी सामान आ रहा है उसकी, उसका चेकिंग करने का, उसकी जाँच करने का जो अधिकार है वो भारत सरकार के द्वारा इस विभाग को दिया गया है। इसमें दो तरह की ब्रांचेस हैं, एक कस्टम्स है, जीएसटी है जिसे एक्साइज भी कहते हैं। जीएसटी जो है, एक तरह से समझ लीजिए जो जमीन पे सामान आ रहा है, जमीन के माध्यम से आ रहा है, उसको जीएसटी चेक करता है, और जो बाय एयर और बाय वाटर, या जिसे हम कह सकते हैं हवा के द्वारा और जो जल मार्ग के द्वारा जो सामान आता है, उस चीज को कस्टम्स चेक करता है। एयरपोर्ट पे जो यात्री आते हैं, शिप्स के द्वारा, कार्गो शिप्स के द्वारा, जो भी कार्गो में बड़े बड़े कंटेनर में सामान लोड होके आता है, उस चीज को चेक करता है इसके द्वारा। और इसमें जो भी सरकार का टैक्स होता है, जो एक्साइज ड्यूटी बनती है, वो सारी चीज़ें चेक करती है। इसके अलावा अवैध नशे के सामान, जानवरों की तस्करी, अवैध पैसा, अवैध गोल्ड, किसी भी तरह की कीमती धातु या किसी भी तरह की वस्तु जो आ रही है देश में, इल्लीगल चीज़ आ रही है उसे रोकना, और इसके अलावा जो सरकार का हिस्सा बनता है, जो टैक्स है, जो कस्टम ड्यूटी है, वो लेना। कोई बहुत सारे लोग छुपा के चीज़ों को लाते हैं, तो ये सारे काम करने की जिम्मेदारी इस पूरे विभाग को सरकार के द्वारा दी गई, इसे भारत का वित्त मंत्रालय चलाता है। अच्छा, आप ये जो भर्ती की तैयारी कर रहे थे, इसकी पोस्ट अलग से निकलती है किस तरह? सर, SSC MTS के थ्रू दो विभाग आते हैं, MTS में ऑफिस वाला रहता है और ये यूनिफॉर्म वाली जॉब है, तो इसका दूसरी ब्रांच ये होती है। उसमें आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं और आपके मार्क्स की और रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रेफरेंस, योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता सर इसकी 10वीं 12वीं 10वीं ही है वैसे तो, बाकी इसमें बच्चे बहुत पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें नंबर बहुत हाई लेके चलना पड़ता है। यानी 10वीं 12वीं अगर आप एजुकेशन किए हुए हैं तो भी एक ओहदे की नौकरी, अच्छी नौकरी आप ले सकते हैं, जिस तरह से आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं, ओहदेदार पोस्ट कहलाएगी जो एक कस्टम विभाग की होती है, गौरवान्वित महसूस करती है अपने आप को। तो जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को बताना चाहूंगा कि ये पोस्ट, आप ये नहीं कि आप 10वीं 12वीं करे हुए हैं तो आप आप बड़ी पोस्ट के लिए आप ओहदे पर नहीं पहुंच सकते, ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते, आप छोटी कम से कम एजुकेशन में भी अच्छी नौकरी कर सकते हैं, जो आप वीरेंद्र के द्वारा देख सकते हैं। आपकी अगली तैयारी क्या चल रही है कि आप इसी विभाग से संतुष्ट हैं? सर, संतुष्ट आदमी को कभी होना नहीं चाहिए, खासतौर पर अपनी सफलता के लिए, अपने
व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ ना कुछ हमेशा जीवन में अगर आप सीखते रहेंगे, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करते रहेंगे तो फायदा होगा। रही बात फ्यूचर की, तो मैं आगे की तैयारी मेरी चल रही है और अभी थोड़ा सा मैं इस चीज को थोड़ा सीक्रेट रखना चाहता हूँ। अभी जब सिलेक्शन होगा उसके बाद एक बार फिर से आप लोगों के सामने छोटा सा सरप्राइज लेके आऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि जो इस पोस्ट पे आप हैं वो बहुत गोल्ड जगह पर आप हैं, काफी कमाई वाला पोस्ट है। आप उस जिस पोस्ट पे आप हैं, जिस जगह पर आप हैं, वहां पर पैसों का खजाना मान सकते हैं। तो आप उस जरिए से जिसके लिए आपने डिपार्टमेंट आपको चयनित किया है, तो आप कितने ईमानदार बन के रहना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट के प्रति और उत्कृष्ट राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहेंगे? देखिए, जब आपको भारत सरकार का जब नाम मिल जाता है, जब आपके चेस्ट पे आपको अशोक स्तंभ लग जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ईमानदारी से काम करें, क्योंकि देश ने आपको देश सेवा के लिए ही चुना है। रही बात पैसे की, तो आप कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर भी अधिकारी रहते हैं और हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना करें। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आपको चयन किया गया, आप उस चीज़ पे ईमानदारी से काम करें, बजाय यहाँ वहाँ की बातें बहुत तरह तरह की होती हैं। आप हमारे यहाँ कितने दिनों तक तैयारी कर रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग की? सर, मैं आपके यहाँ तकरीबन 3 से 4 वर्ष तक जुड़ा रहा हूँ। अच्छा, फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा भी कुछ है हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में सीखने को मिला, वो थोड़ा सा बताने का प्रयास करें जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। सर, एक तो मैं मेडिटेशन जैसे करवाते हैं, जिससे आपका एक मानसिक संतुलन, जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत ज्यादा दिमाग में एक उथल पुथल मची रहती है, तो इस तरह की चीजें होंगी। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं। इसके अलावा हम जैसे कभी कभार कुछ विशेष दिनों में, जैसे 2 अक्टूबर हुआ तो सफाई अभियान करवाते हैं, या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपके द्वारा हमें लेके जाया जाता है, तो इस तरह की भी, क्योंकि हम हर व्यक्ति स्वयं के लिए तो सब करता है, पर कुछ अगर चयन नहीं हुआ तो भी देश सेवा के नाम पर, इस राष्ट्र सेवा के नाम पर कुछ अगर हम अपना योगदान इस ग्रुप के माध्यम से दे सकते हैं, तो वो चीजें भी हम करते थे, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, इसमें मुझे थोड़ा गौरवान्वित महसूस होता था उस वक्त। अच्छा, आप इसके पहले कोई अन्य अकेडमियों को भी ज्वाइन करे और इंदौर या फिर अन्य अकेडमियों में आप कंपेरिजन करे और हमारे पास ही क्यों फिजिकल करने आए? आपको यहाँ क्या विशेषता अलग लगी कि जो हम ओपी सर के ही ट्रेनिंग लें? क्योंकि ये सेकंड चरण होता है, बहुत चैलेंजिंग रहता है। अगर इस सेकंड चरण यानी रिटर्न के बाद फिजिकल में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपकी सारी तैयारी असफल हो जाती है। तो सेकंड चरण में जब आप किसी ग्रुप को ऐसा चयन करते हैं जहां आपके भविष्य को निर्माण करने में 100% सहयोगी रहता है, तो आप ओपी ग्रुप को ही क्यों चयन किया? आप क्या विशेषता देखे इस ग्रुप के प्रति? सर, एक शब्द होता है कंटेंट और एक होता है एडवर्टाइजमेंट। एक वो होता है जो जिसे हम कहते हैं क्वालिटी और एक क्वांटिटी। तो मुझे लगता है हमें अब हमारे इस ग्रुप में क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान जाता है, कंटेंट पर ज्यादा ध्यान जाता है, बजाय हवाबाजी करने के कि बेवजह के वीडियो हम डाल रहे हैं। इस ये जो कंटेंट है, कंटेंट से मेरा मतलब है जो यहाँ पर जो मेन जो वाकई में उसे सफलता की सीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास करेगा पूरा, क्योंकि मेन चीज़ तो बच्चा खुद करता है, पर जो पीछे से धक्का परमानेंट उसे लगा रहता है वो काम यहाँ जो किया जाता है वो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की। तो वही चीज़ है जिससे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि आईफोन अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत कम करता है, बाकी जो छोटे ब्रांड होते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट दबा के करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में अपना बहुत पैसा खर्च करते हैं, पर जो आईफोन है हर बार एक ऐसा कंटेंट लेके आता है वो पूरा मोबाइल सेक्टर में क्रांति मचा देता है, पूरा रिवॉल्यूशन कर देता है कि लोगों हम लोग मोबाइल अब थोड़े से एडवर्टाइजमेंट होने लग गए कि कंपटीशन का दौर बहुत बढ़ गया, वरना पहले आईफोन नहीं करता था। तो आईफोन से मेरा मतलब सर से है, अभी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि वो जो चीज़ें कि आप उस कंटेंट को देखें यार कि क्या चीज करवाई जा रही है। आप एक बार आए तभी मैंने कहा कि बस सर से आके देखें, मिले नहीं अच्छा लगता है, आप स्वतंत्र हैं, कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि भाई मेरे यहाँ ही करना है आपको, आप स्वतंत्र हैं। एक बार पर तुलना आप तभी कर सकते हैं जब दो चीजें आपको पता हो, जब आपने दोनों चीजों को महसूस किया, दोनों चीजों को देखा। आपने सिर्फ यूट्यूब या किसी भी चीज के माध्यम से देख लिया और सुन लिया उसके बारे में, तो गलत चीज हो जाती है। एक बार जाके देखें, अगर देखें नहीं अच्छा लगता है तो निर्णय आपका है, आपकी चीज है। ठीक है, जिस जो आप देख रहे हैं सुने हैं वीरेंद्र के माध्यम से, मेरा मानना है कि जीवन में नर सेवा नारायण सेवा ही उत्कृष्ट सेवा है। ईश्वर ने मुझे एक राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी के रूप में
हमें एक सेवा देने का मौका दिया है। मैंने अपने जीवन में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शॉर्टपुट रिले में बनाया, उसके बाद मैराथन मीट रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद संन्यास लेने के बाद मैंने शुरू कर दिया कि उन गरीब बच्चों के लिए मैं यह ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा जिन जो प्रशिक्षण लेने चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं, अकेडमियों की फीस नहीं भर पाते। आज हमारे यहाँ से 10,356 बीरेन जी ने के रूप में चयनित हुए हैं। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, इनके माता पिता को नमन करता हूँ जिन्होंने इतना संघर्ष देकर इस ऊंचाइयां दी हैं। जय हिंद, जय भारत।